It's really nice. I feel so light right now, be it any part of the body right now, but it's really nice. वेलकम फ्रेंड्स, आपने नाम तो सुना ही होगा डॉक्टर जीतू मिश्रा। सुना है? तो आज मेरे पास दो रियल ब्रदर्स आए हैं और इनको आने में थोड़ी सी देर हो गई है। कितने साल? दो साल हो गए। इन्होंने अपॉइंटमेंट 2 साल पहले बुक कराई थी और आज ये फाइनली आ गए। तो मैं इनसे मिलवाता हूँ जल्दी से और थोड़ा सा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देना, फॉर्मल इंट्रोडक्शन मत देना, ये मैं बताना हॉस्पिटैलिटी से हूँ कि नमक कम मिर्ची ज्यादा। और आप तो बता ही देना आप क्या करते हो। हाय, माय नेम इज शिवांशु। एज ही सेड, 2 साल लग गए आने में, बट आई एम ग्लैड कि मैं फाइनली आ चुका हूँ। रेस्ट मेरा वर्क ही ऐसा है कि मुझे इनकी जरूरत पड़ी थी फाइनली। ओवर टू यू। हाय, माय नेम इज सूर्यांश एंड बाकी डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। हम दोनों ब्रदर्स हैं, वो भी रियल। और इट्स बीन 7 ईयर्स हम दोनों साथ में गुड़गांव में। वी आर वर्किंग इन MNCs। आई बेसिकली टेक केयर ऑफ द फैसिलिटीज मैनेजमेंट, द क्लीनिंग पार्ट एंड द सैनिटाइजेशन पार्ट एंड एवरीथिंग। ही इज इन टू बैंकिंग, बट इट टुक मी 2 ईयर्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड, क्योंकि फाइनली जब आपके बैक एक वर्क फ्रॉम होम ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर यू अंडरस्टैंड क्या कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए कोर ये सब है। सो फाइनली आई एम द राइट प्लेस with the right person to make sure that we both. दो साल इसलिए भी लग गए just because वो आवाज आती है ना कट 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 करके, उसी से treatment वो 2 साल वाला थी था, वो treatment भी है, वो डर भी है। So finally let's hope for the best. तो ये लोग 2 साल से ब्रॉडीज की वीडियो देख रहे थे, है ना? नहीं, आपकी आपका चैनल भी देखा। हाँ, और ये काफी पता किस चीज का वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन खोले या लॉकडाउन दोबारा वो कोविड आ जाए। अब ये फाइनली आ गए हैं और मैंने अब तक इनका फूड असेसमेंट किया है, कपिंग किया है, नीडलिंग किया है और वो करने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। और उसके बाद में इनका फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। बीमारियाँ तो सबकी जैसे ही होती है, किसी कम किसी की ज्यादा, बट यहाँ पे छोटे वाले की थोड़ी सी ज्यादा लग रही है क्योंकि उसको हर चीज का डर है, है ना? बट तुमने जैसे एक्सप्लेन किया था ना अपना वो इंसिडेंट, वो एक्सप्लेन कर दे। तू गया था डॉक्टर से एंड यू व्हेन वो एक्सप्लेन करते, मैं सुन रहा था, आई वाज एंजॉयिंग इट। हां, आई एक्चुअली दिस वाज रियली, आई मीन बड़ा फनी सा साउंड कर रहा है बट एक्चुअली था नहीं। आई वेंट फॉर अ फिजियोथेरेपी और मेरे को बहुत ज्यादा पेन नहीं हो रहा था 2 हफ्ते से पहले। हां, ले जाने से पहले मेरे को एक्चुअली ले जाना था। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैं फिजियो के लिए गया बिकॉज माय बैक वाज रियली हर्टिंग। सारा सेशन वेशन सब हो गया, आई लाइक आई वाज प्रिपेयर्ड कि चलो ले जाना है, तो सब सॉर्टेड है। व्हाट हैपेंड वाज दैट शी टोल्ड मी टू सम एक्सरसाइजेस, सो शी टोल्ड मी टू गो एंड जस्ट मेक अ नॉर्मल सिटिंग पोस्चर स्क्वाट। तो मैंने बोला, शी टोल्ड मी टू स्क्वाट, सो शी जस्ट टोल्ड मी टू इमेजिन अ सीट एंड जस्ट सिट ऑन इट। आई लाइक ट्राई 3 times, द 4th time दैट आई ट्राइड, आई जस्ट लाइड ऑन द फ्लोर एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट अप। ये हमारे बड़े भाई साहब थे, ये थे तो मैं उठ गया, वरना तो मेरा उठ ही नहीं पाता वहां से। बॉडी में नहीं थी उठाने के लिए। आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ सपोर्ट, डॉक्टर और मेरी जरूरत पड़ी थी। आई एक्चुअली लेफ्ट माय बॉडी, इट वाज, आई जस्ट थॉट दैट पैरालाइज हो गया एकदम से एंड बहुत ज्यादा पेन था। इट वाज रियली रियली पेनफुल। आई मीन आई वुड नेवर इमेजिन दैट पेन। व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू आई हैव दोस गूज़बम्प्स, सो इट्स terrible, I just hope तो ले गया नहीं उसके बाद। नहीं नहीं, मैं गया, मैं जरूर गया, मैं ही लेकर गया। मैं disclaimer ये देना, मैं ही लेकर गया, मैंने ही हाथ पैर जोड़े, रातों रात क्लिनिक खुलवाई, convince किया, हाथ जोड़ा कि हम बहुत परेशानी में ये है। वो मेन रीजन अगले दिन बताया इंडियंस है ना, 34 सेटिंग बोला कि चलो बस चल रहे हैं, 34 सेटिंग के बाद हम लोगों ने बताया कि यार इसको ले जाना है, आज ही आपके पास है, अगले 48 आवर्स में इसको अप एंड रनिंग कर दीजिए। नहीं तो जिस दिन ये पहली बार जब ये वहां पहुंचे तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। Exactly. और नेक्स्ट उसी दिन जिस दिन ये बैठे, दैट वाज द लास्ट टाइम ही वाज सिटिंग, उसके बाद देन ही वाज लाइंग ऑन इट। सो वी, मी एंड माय फ्रेंड वाज टू सेट टुगेदर, हम दोनों इसको उठा के वॉशरूम लेके जाते थे, फिर लेटाते थे, फिर इनको खाना खिलाने के लिए ऐसे उठाते थे, खड़ा नहीं हो सकता थे ऐसा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी मतलब अभी मेजर पार्ट अभी शुरू होगा तो फिर से अगेन गूज़बम्प्स आ रहे, बट वी जस्ट हैड कपिंग थेरेपी एंड I feel relaxed. I mean, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना body थोड़ी सी loose रहती है, feel composed and all. So, how do you feel about that? Relaxed, है ना? थोड़ा सा relaxed सा feel हो रहा है. It's really nice. Soothing सा लग रहा था. वो नीचे से डरना वरना मत, कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता. हाँ, मतलब थोड़ा सा पता चला, ज़्यादा पता नहीं चला. ले bike पे गए थे? नहीं,
फ्लाइट ले बाइक से ले से बाकी फिर मैं लेट जाता अगर बाइक से जाता मैं क्या फिर इनक्रेडिबल होगा ये बाइक से चल जाता उसको पीछे रस्सी से बांध देते मम्मी देखेंगे ना ये मम्मी देखेंगे ना अब तो वही बात है तू पिटने के लिए रेडी हो ही रहा हूँ विल बी लाइव एवरीवन बट ठीक है मतलब इट टुक मी 2 years टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि कायरोप्रैक्टर इज अनदर लेवल ऑफ साइंस मेडिकल साइंस अगर मैं इस चीज को कहूँ लोग को लगता है टट्टी कटट्टी कुछ होता है लेकिन जो ये वही वीडियोस हैं जो रात को सोने से पहले हम देख के ना सैटिस्फाई होकर सो जाते हैं आज वो रियल टाइम में करवा रहे हैं शुड बी डन विद वेरी मतलब इसको बोलते हैं बहुत ही स्किल सेट होनी चाहिए बहुत ही परफेक्ट आई मीन यू लाइक यू नॉट बोर्ड एंड टॉक टू एनी डॉक्टर कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी यू हैव टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द पर्सन दैट यू वांट टू गो एंड हैव अ सेशन विद सो दैट इज व्हाई साइंस की बात भी दी होगी है ना मम्मी की भी घुस बम्स भी खाने को सोच सोच के बोलना पड़ा फिल्टर करना पड़ेगा मम्मी देखेंगे पापा देखेंगे दादाजी देखेंगे वही चीज है बट सी अगर इसका पोस्ट अच्छा होगा तो मम्मी से भी बोलूंगा पापा को भी बोलूंगा दे कम लाइक 2 months 3 months में एक बार आते हैं खींच के यहां जब डेफिनेटली लेके आऊंगा सॉरी मम्मी तो इन दोनों का हमने फुट असेसमेंट भी किया है दोनों के इंसोल भी चाहिए एंड विल सी कि बेचारे स्पेंड करेंगे आज या अगली बार करेंगे है ना बट विल मेक देम वेरी अफोर्डेबल फॉर देम आ जाओ रिलैक्स छोड़ दो इजी Relax. Breathe out. Easy. छोड़ो रीना छोड़ो. Easy. Easy. Turn कर लो मेरी तरफ. मेरी तरफ मेरी तरफ. इस पे. नीचे वाला पाँव सीधा ये मोड़ेंगे. मुझे तो लग रहा था मैं फेल ना हो जाऊं नहीं नहीं हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा देख देख के ये तो सीख गया हाथ यहाँ रखने हैं ना वीडियो देख के तो उधर गया इजी रिलैक्स सीधा इजी भाई साहब ये सबसे ऐसा ये सब खुल गया है ये सब बहुत टाइम से टाइट था और एक एक हड्डी क्रैक मार रही है देख पा रहा हूँ भाई फ्रीडम है से मतलब 14 अगस्त के दिन बस डेट थोड़ी सी अलग है डेट थोड़ी सी अलग है 14th का मान के चल रहे सेलिब्रेशन चल रही है अभी हरे वालों की चल रही है मतलब मैं ऐसे पूरे नीचे देख पा रहा हूँ पहले मैं ऐसे मतलब ये वही बात हो जाएगी ना पहले मैं ऐसा था ऐसा हूँ नहीं ऐसे पूरे से देख पा रहा हूँ तो दर्द नहीं हो रहा है इधर वाले में ना बहुत दर्द होता था रिलीफ के चाहिए सामने कैमरे होते हुए बहुत इंसान कॉन्शियस में उतर के रिलीफ कैसे दिखाऊं मैं बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ भाई नेक्स्ट एपिसोड ये लग ही नहीं रहा ये है ना और मुझे कराए यार बहुत अच्छी चीज है दिस वाज द लास्ट टाइम Relax. Easy. Easy. Breathe out.
कितने ऊपर चला है ये? I'm still there. Still there. Easy. टर्न करेंगे मेरी तरफ. नीचे वाला पैर सीधा. नीचे वाला पैर सीधा. बैंड करो. इजी. रिलैक्स. वन मोर. इजी. Still there. But it was amazing. I didn't feel any pain. Trust me. Jitni awaaz aa rahi hai na, feel hota nahi hai. Chain reaction thi sir. Beautiful. Honestly speaking, guys, ये एक जेन्युइन सा फीडबैक है. एज इन इट्स रियली नाइस. कोई ऐसा पढ़ा चढ़ा के वाली बात भी नहीं है. यू हाँ, पेड प्रमोशन वाली बात भी नहीं है. पे करना ही है हमें. पहले से ये चीजें बता दी गई थी. अंदर खुद ही गूगल पे का स्कैमर लग रहा है. तो पेड प्रमोशन की बात ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट हेल्थ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड सिंस COVID, trust me guys, if in case you have the opportunity to take care of yourself, definitely do try this. I mean, I really feel so good about it right now. अभी एकदम से तो उठ के थोड़ा सा बोलूँगा तो it's really nice. I feel so light right now, beat any part of the body right now, but it's really nice. Wow. Yes. So viewers, आपको अगर ये video अच्छी लगे तो subscribe ज़रूर करना, share भी ज़रूर करना. और आपके पास भी अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो और फील करना चाहते हो दोनों ब्रदर्स की तरह, सो एवरी ब्रदर एंड सिस्टर इज वेलकम. सो थैंक यू.